हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्थी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के बीच के अंतर के बारे में। दोनों के बीच में क्या अंतर है और कौन सा मेडिसिन आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और जान लेते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में। तो पहले बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। नंबर दो पर है दोनों के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। एजिथ्रोमाइसिन एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका मतलब है ये कई प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, और एरिथ्रोमाइसिन का स्पेक्ट्रम थोड़ा लिमिटेड होता है और ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब एजिथ्रोमाइसिन का जो प्रयोग है आप कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कर सकते हो, जबकि एरिथ्रोमाइसिन कुछ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं दोनों के डोज और इफेक्ट के बारे में। दोनों की डोज क्या होती है और कितना इफेक्टिवली आपके शरीर पर वर्क करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन का जो इफेक्ट है थोड़ा लंबे समय तक रहता है, इसका मतलब है आप दिन में एक ही बार इसको ले सकते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन का जो इफेक्ट है थोड़ा कम असर करता है, इसलिए आप इसको दिन में दो या तीन बार तक भी ले सकते हैं। और डोज जो है पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं दोनों के साइड इफेक्ट्स के बारे में, कौन सी मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज़्यादा है। जैसा कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, इन दोनों दवाइयों का भी अपना एक साइड इफेक्ट है। दोनों ही एंटीबायोटिक हैं और इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स में दस्त लगना, उल्टी लगना और गैस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन अधिकतर लोगों को पेट की समस्या पैदा कर सकता है। पेट की समस्या में गैस और उल्टी की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं दोनों दवाइयों के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। एरिथ्रोमाइसिन दूसरी दवाइयों के साथ संक्रमण कर सकता है। यदि आप एरिथ्रोमाइसिन को दूसरी दवाइयों के साथ लेते हैं तो ये आपकी बॉडी पर थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकता है और इसका कारण ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। एजिथ्रोमाइसिन का इंट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और इसे दूसरी दवाइयों के साथ लेना सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब है एरिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। ध्यान रहे आप किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है और आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के अनुसार ही आपको ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में हमने आपको एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के बारे में बताया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।